सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? देखो बच्चों, कल हम बात कर चुके थे हमारे टेंसेस के बारे में। टेंस हमने लगभग प्रेजेंट के बारे में बात कर ली पूरी। देखो प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया, कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया, परफेक्ट पढ़ लिया, और कल पढ़ रहे थे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आज उसी के बारे में बात करेंगे आगे। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है क्या, कल हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। हमने ये भी बात कर ली कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या आएगा और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या आएगा, याद है ना आप लोगों को? तो आपको बता दूं दोबारा कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज़ करते हैं? फोर का। बार बार मैं हिंदी नहीं बोलूँगा, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हमें इंग्लिश आनी चाहिए, अदरवाइज वही कैसा बेटा काम हो जाएगा, ऐसा काम नहीं करना हमें। चलो देखते हैं आगे की बोल। देखो इसी की बात कर रहे थे हम, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखो बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि ऐसा कार्य जो हमने एक काम कंप्लीट कर लिया, दूसरा हमने जारी कर दिया, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि कब खत्म होने वाला है, समझ रहे हो आप लोग? चलो कैसे, इधर देखो। सबसे पहले बात है इसकी पहचान की बात कर दूं मैं, किसकी बात करूं? पहचान की। देखो आइडेंटिफिकेशन होती है इसकी कि समय के साथ रहे हैं अथवा लिया है, या जैसे लिखो में खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है आदि। देखो ऐसी बातें आएंगी, इस बात का ध्यान रखना। क्या आएगा, जैसे कि मान लीजिए मैं कह दूँ आपसे, मैं 2 घंटे से यहाँ खड़ा हुआ हूँ, आगे बात हो भाई की बात। जैसे मैं कहूँ मैं 1 घंटे से लिख रहा हूँ, अब देखो मैंने समय की बात की, 1 घंटे की बात की, मैंने 2 घंटे की बात की, समय आया कि नहीं आया? आया ना। तो वही बात हम करना चाहते हैं यहाँ, जो कल बात कर रहे थे। कल मैंने बताया था आपको कि सिंस का यूज़ करते हैं हम, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस मार्च, सिंस 2020, वैसे ऑप्शन आ जाए, सिंस बर्थ, इस प्रकार से बात की थी हमने, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमने किसका यूज़ किया था? सिंस का। अब देखो इसका अफर्मेटिव देखते हैं, क्या देखते हैं? अफर्मेटिव देखते हैं। अफर नहीं बोलते बच्चों, थोड़ा हल्का सा दबा के बोलना है इसको, अफर्मेटिव ऐसे बोलते हैं। आर की ध्वनि बहुत ही कम निकलती है, जहाँ तक हो सके साइलेंट रहती है, अफर्मेटिव इस प्रकार से बोलते हैं। देखो इसका पैटर्न क्या होगा, देखो इधर इसका हमारा पैटर्न क्या होगा। देखो पहले लाएंगे सब्जेक्ट, क्या लाएंगे? सब्जेक्ट। देन लाना है हमें हैज लाना है या लाना है, जस्ट बाद में आप भी जोड़ देंगे। फिर क्या करोगे, वही वर्ब में आपको आईएनजी लानी है, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लाना है, और फिर क्या करना है आपको, सिंस फॉर लाना है बच्चों। क्या लाओगे? सिंस फॉर प्लस आपको टाइम लाना है। क्या लाना है? टाइम। सिंस फॉर आते टाइम साथ अपने आप आ जाएगा। आगे बात समझ में, क्या समझ में आया? पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट, देन क्या लाएंगे हम, हैज या हैव, दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। हैज कहाँ करते हैं, सिंगुलर, और ये प्लूरल, बीन हमें जोड़ना है सभी के साथ। फिर क्या करना है, हमें वर्ब में आईएनजी लाना है, आई मीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लाना है, फिर सिंस फॉर लाना है, इस प्रकार से आपको काम करना है। चलो बनाते हैं एक सेंटेंस, देखिए सब यहाँ देखिए, जैसे लिखा मैंने, दिव्या 1 घंटे से, दिव्या 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रही है। क्या बोलो मैंने, दिव्या 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रही है। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट में लाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, दिव्या, रख दीजिए दिव्या को आप, ऐसे रख देंगे, दिव्या रख दिया हमने। फिर लिखा हमने हैज या हैव, देखो सिंगुलर है तो क्या लाओगे, हैज, बिल्कुल रख दीजिए, ये रख दिया आपने हैज।
और अभी बताया जस्ट आपको कि इन दोनों के बारे में क्या लाना है, बिन लाना है, लाना ये कंपल्सरी लव बिन, ये बिन रख दिया आप लोगों ने, चलो बढ़िया। फिर देखो वर्ब के साथ आएंगी लाना है, बताओ काम क्या हो रहा है, पढ़ने का, पढ़ने को बोलते हैं हम रीड, क्या बोलते हैं रीड, साथ में आएंगी जोड़ना है, जोड़ दीजिए आएंगी, रीडिंग हो गया। अच्छा क्या पढ़ रही है भाई, ऑब्जेक्ट हमारे पास इंग्लिश है, इंग्लिश लिख दीजिए आप, इंग्लिश लिख दिया, क्या बचा हमारे पास, सिंस फॉर बचा, किसके साथ, समय के साथ, कब से आ रहा है, एक घंटे से, एक घंटे बताओ मुझे कौन सा है, क्या निश्चित समय है, क्या पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या ना नहीं है, कौन सा है, पीरियड ऑफ टाइम, कंफर्म नहीं है, कौन सा एक घंटा है, क्या निश्चित नहीं है, लेकिन मैं इसे बोलता 2 बजे से, 12 बजे से, 11 बजे से, 10 बजे से, 8 बजे से, तो क्या हो जाएगा निश्चित समय, लेकिन यहाँ पे एक घंटे से, तो क्या लिखेंगे, 4 एन आवर, 4 एन आवर, ऐसे ऐसे बात करते हैं, आगे बात समझ में आया कि नहीं, ऐसे सेंटेंस समझ में, चलो एक और देते हैं आपको, देखो ऐसे दिया मैंने आपको, हम लंबे समय से लंबे समय से इस घर में रह रहे हैं। देखो क्या लिखा मैंने, हम लंबे समय से इस घर में रह रहे हैं, हमारा घर है, हमने हमारे घर की बात कर दी कि मैं काफ़ी लंबे समय से, हम सारे लोग हैं ना काफ़ी लंबे समय से कहाँ रह रहे हैं, इसी घर में रह रहे हैं। अब देखो आप लंबा समय हमारे पास पहले आ गया, इससे पता लग गया आपको कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और आए रहे भी आ गया, आगे बात समझ में, चलो बना दीजिए, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हमको बोलते हैं इंग्लिश में भी बोलते नहीं बोलते, चलो दिख रहा है ना आप लोगों को, दिख रहा है नीचे तक, चलो वी, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बताओ हैज लाएंगे, हैव लाएंगे, बोलो हैव आएगा, कुछ क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है प्लूरल है, लगाइए क्या लाओगे उसके बाद, जस्ट बाद में आपको बीन लाना है, रख दीजिए बीन, फिर लाना है वर्ब में आएंगी, रह रहे, रहने को बोलते हैं लिव, क्या बोलते हैं लिव, आएंगे लगा दो लिविंग हो जाएगा, जस्ट बाद में क्या करना है आपको, इस घर में क्या बोलोगे, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस या होम, ठीक है ना, इस घर में हाउस कर दो, होम कर दो, चलो हाउस लिख देते हैं, उसके बाद कब से, लंबे समय से, अब लंबा समय मुझे बताओ, लंबे समय के बारे में बात करें तो क्या कंफर्म है, क्या आई मीन पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या निश्चित समय की बात चल रही होगी, लंबे समय की नहीं, लंबा समय निश्चित, क्या है अनिश्चित समय, उस समय लंबा समय क्या बताया था मैंने, अनिश्चित समय, तो क्या करेंगे हम इसमें, फोर लॉन्ग टर्म, बन गया आपका सेंटेंस, दिस हाउस एंड फोर लॉन्ग टर्म, ठीक है ना, इस प्रकार से बन जाए, टाइम लगा दीजिए, तो ऐसे बन जाएगा, देखो आगे बात समझ में, तो क्या करोगे इस प्रकार से बनाना है आपको, अफर्मेटिव समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, तो इसी प्रकार से आप घर पे बैठ के सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव के 2 सेंटेंस बनाएंगे अपने हिसाब से, ठीक है ना, चलते हैं नेगेटिव की तरफ, छोड़ा रिमूव मिटा दो उनको, चलो नेगेटिव में चलते हैं, नेगेटिव पे चलते हैं, देखिए बताओ नेगेटिव का पैटर्न क्या होगा, पहले क्या लाओगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लाओगे, हैज या हैव, फिर क्या लाओगे, नॉट, थर्ड स्थान पे नॉट आएगा, जस्ट बाद में हमें क्या लाना है, बीन लाना है, फिर वाइस प्रोसेस से हम चलेगी जो हमारे पैटर्न में आएगी, चलो लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले वही सब्जेक्ट लाइए, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे हैज या हैव, दोनों में से एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद में हमें नोट लाना है, फिर हमें बीन लाना है,
फिर हमें वही वर्ब में आईएनजी लानी है, ठीक है ना। आईएनजी लाओ वर्ब में, उसके बाद में क्या करोगे आप, फिर लाओगे ऑब्जेक्ट, फिर लाओगे आप सेंस फॉर। सेंस फॉर के बाद में लाना है आपको टैग, क्या लाना है बच्चों टैग। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है बराबर सभी को। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे लिखा वह दो माह से विद्यालय नहीं आ रही है। अब देखो आप क्या किया हमने इसमें, नहीं की बात कर दी, कर देना। तो पहले क्या लाऊंगा बताओ, सब्जेक्ट क्या है, वह लड़की है, सी लिखेंगे। हेज लाएंगे क्योंकि हमारे पास सिंगुलर है, नोट हमें थर्ड स्थान पे लाना ही है, और बिन तो हमारे बिन के बिना काम चलेगा नहीं, ठीक है ना। बिन लगा दिया, वर्ब में आएंगे लाओ आ रही को बोलते हैं कमिंग, कह देते हैं कमिंग आ गया। कहाँ पर, विद्यालय में, कमिंग टू स्कूल, कब से बोलो, दो माह से, कन्फर्म है क्या, नहीं है। फोर टू मंथ्स, ऐसे बन जाएगा, यही बात समझ में। एक और देख लेते हैं इसका नेगेटिव, जिसे लिखा पूजा, पूजा कुछ समय से इस पूजा कुछ समय से इस काम को नहीं कर रही है। कैसे बनाओगे, पहले क्या लाओगे, पूजा, फिर लाओगे एज, फिर लाओगे नॉट, फिर लाओगे बीन, फिर काम को कर रही है, डूइंग दिस वर्क, क्या बोलेंगे, डूइंग इस काम को, दिस वर्क, डूइंग दिस वर्क। उसके बाद में क्या करोगे, कब से, उस समय से, फॉर सम टाइम, ऐसे बन जाएगा। आगे बात समझ में, इतना लिखते हैं, ये हो गया हमारा नेगेटिव। चलते हैं इंटरोगेटिव की तरफ, दो सेंटेंस समझ में आ रहे हैं बराबर आपको, पैटर्न याद रखो सारा काम हो जाएगा बढ़िया। आगे बात समझ में, चलो देखते हैं हम इंटरोगेटिव की तरफ, देखते हैं इंटरोगेटिव। थोड़ी सी बात कर लूं, देखो सबसे पहली बात है, यदि आपको प्रॉपर इंग्लिश सीखनी है तो क्लास डेली अटेंड करनी ही पड़ेगी, बुक्स एंड बाय ग्रुप्स, एन करनी पड़ेगी आपको। अदरवाइज ये उम्मीद छोड़ दो कि हम इंग्लिश सीख जाएंगे, वो हमें अच्छे से हर चीज़ आ जाएगी, कन्फर्म संभव ही नहीं है ऐसा। इसलिए हर चीज़ पढ़ो, जितने मैंने पढ़ा दिए सारे वीडियोज देखिए आप, फिर आपको आनंद ही अलग आएगा पढ़ने के लिए। इसलिए हर चीज़ को देखा करो, कोई कमेंट नहीं है, आप कुछ जवाब देते भी नहीं हो। कुछ मैंने एक टेस्ट पेपर डाला था, अभी तक तो उसका आंसर नहीं आया, केवल एक बच्चे ने दिया है, उसके बाद कोई बिल्कुल जाग नहीं आ रहा। सिंसियर रहो और उनको करना सीखो, नहीं आता तो पूछो, है कि नहीं, व्हाट्सएप नंबर के साथ से पूछ लो, कॉल करके पूछ लो, ध्यान नहीं देते, ध्यान दिया करो, क्योंकि नहीं दोगे नुकसान आप ही का है कि नहीं। बोर्ड एग्जाम तो के रहे, टेंथ भी होगी, नाइन्थ भी होगी, एट्थ भी होगी, पर पता नहीं कि अवेयरनेस नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो जी इंटरोगेटिव की बात करते हैं, इंटरोगेटिव देखो, इंटरोगेटिव का मीनिंग प्रश्न मार्क होता है, इसका मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक कहेंगे, आई मीन क्वेश्चन पूछते हैं। कैसा पैटर्न क्या हो जाएगा, याद है आपको,
बटन क्या हो बताओ भाई, पहले क्या करते हैं इसमें, अब तक क्या करते थे सब्जेक्ट पहले ला रहे थे, अब क्या करेंगे सब्जेक्ट बाद में लाएंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। लाइए हैज रखा, हैव रखा हमने यहाँ, जस्ट बाद में हम सब्जेक्ट ले आए और इस बीन हमने जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया, इसमें वही वर्ब में आएंगे ला दी थी आप, फिर वही प्रोसेस, ऑब्जेक्ट लाओ, ऑब्जेक्ट रख दिया, फिर आप सेंस फॉर, ये सेंस फॉर रखा आपने, फिर टाइम लाए आप बिल्कुल, और क्वेश्चन मार्क आपने लास्ट में रख दिया। क्लियर? पैटर्न क्या याद रखोगे, हैज हैव लाना है, सब्जेक्ट लाना है, कहने का मतलब जो हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस था उसको क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है, यानी कि पहले सब्जेक्ट ला रहे थे, अब क्या करोगे आप, पहले हेल्पिंग वर्ब ले आओगे, सेम वो रहेगा फिर। क्लियर? इन दोनों को थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे। देखो अब क्या करेंगे, सेंटेंस बोलेंगे जैसे लिखा मैंने, क्या क्या बच्चे, क्या बच्चे सुबह से, क्या बच्चे सुबह से कक्षा में शोर कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, आप जानते हो बच्चों का स्वभाव है शोर करने का, बिना शोर किए तो मज़ा नहीं आता ना, आता ही क्या नहीं आता, और बचपन है वो क्या जिसपे शोर शराबा लोग। चलो क्या बच्चे सुबह से कक्षा में शोर कर रहे हैं, क्या लाओगे पहले बताओ, क्या है वो लाओगे या हैज लाओगे, बच्चा एक एक ज़्यादा है, ज़्यादा है, सारे क्लास के बच्चों की बात कर रहे हैं, इसका मेन सिंगुलर तो नहीं है, किस में चला गया, प्लूरल में, और प्लूरल क्या मांगता है हमेशा, हैज या हैव बताओ, हैव लेगा तो रख दीजिए, ध्यान रखें पहला वर्ड कैपिटल लेटर में ही आएगा, हैव रख दिया, जस्ट बाद में क्या लगा आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है चिल्ड्रन, रख दीजिए, फिर हमें क्या लाना है साहब, बीन लेंगे, फिर लाना है वर्ब के साथ आईएनजी, क्या कर रहे हैं शोर कर रहे हैं, शोर करने क्या बोलेंगे, मेकिंग अ नॉइस, मेकिंग अ नॉइस, कब से कर रहे हैं बताओ मुझे, कहाँ कर रहे हैं पहले कक्षा में, तो इन द क्लास, इन द क्लास कब से कर रहे हैं, सुबह से, सिंस मॉर्निंग रख दीजिए, सिंस मॉर्निंग, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, आ गया समझ में, अरे है कि नहीं आया, हाँ बता दिया करो, देखो हैव रखा, सब्जेक्ट रखा, मेन रखा, वर्ब में आईएनजी लाए, बाकी जो प्रोसेस थी वो हमने लिख दी, और हमारा काम, एक सेंटेंस वो ले लेते हैं, क्या सुबह से बगीचे में फूल खिल रहे हैं, खिल रहे हैं, कैसे बनाओगे बताओ, सब्जेक्ट क्या है इसमें मुझे बताओ पहले, सब्जेक्ट क्या है अपने पास, अच्छा बगीचा के फूल है बताओ मुझे, क्या लिखेंगे, बगीचा या फूल बताओ, अच्छा खिल कौन रहे हैं, बगीचा या फूल, फूल खिल रहे, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, फूल हो गए, फ्लावर्स हो गए, क्योंकि गार्डन हमारे पास क्या है, वो तो प्लेस हो गया, स्थान हो गया भाई, अरे जगह, गार्डन एक बार पास क्या है, एक जगह एक प्लेस है जहाँ पर कोई चीज़ खिल रही है, फ्लावर्स की बात कर रहे हैं हम इसके, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, फ्लावर्स रख दीजिए, लेकिन उससे पहले फूल बहुत सारे, भाई एक गार्डन में एक ही फूल थोड़े रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, तो क्या करेंगे हम, हैव लाएंगे, हैव फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर्स, फिर आना है आपको बीन, फिर आना है आपको वर्ब में आईएनजी, खिल रहे हैं, खिलने को क्या बोलते हैं बताओ, ब्लूम, क्या बोलेंगे बच्चों, ब्लूम, तो ब्लूमिंग हो जाएगा, ब्लूमिंग हो जाएगा, जस्ट बाद में क्या करेंगे बताओ, कहाँ खिल रहे हैं, बगीचे में, इन द गार्डन, इन द गार्डन, जस्ट बाद में कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, क्या लिखोगे, सिंस मॉर्निंग,
अरे हरी हाई बात समझ में आएगी ना। अब देखो इधर एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, देखो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, समझ नहीं आ रहा आपको। हैव फ्लावर्स बिन ब्लूमिंग, फिर देखो आगे कहाँ पर, बगीचे में, इन द गार्डन, इन द गार्डन। और कब से, मॉर्निंग, यानी कि सिंस मॉर्निंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ऐसे आ गया। कल की क्लास जरूर देखना, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो डेफिनेटली आएगी। कल सारी बातें बता चुका हूँ मैं इसके बारे में। अब एक रोज़ रोज़ हम एक चीज़ को लेकर नहीं बैठे रहेंगे, अदरवाइज हमारा कोर्स कब पूरा हो, आप जानते हो। अभी तो करेक्ट फॉर्म हमारी पूरी नहीं, प्रेजेंट चल रही है, पास्ट है, फ्यूचर है, ठीक है, नहीं पूरी ग्रामर बाकी है, आप जानते हो। ग्रामर में आपके आधे क्या क्या टेंथ क्लास में, देखो पैसिव वाइस है, नरेशन है आपके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल है, क्लोज हैं, ये है कि नहीं। चार तो रहेगी हमारे करेक्ट फॉर्म वगैरह, फाइव टॉपिक है हमारे पास, उसके बाद हमारे पोइम्स से पूरी बुक है, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। इनको देखा होगा, एक बार भी सुन लिया, दो बार देख लिया, हो गया इतना। नेगेटिव आप खुद बनाएंगे अपने हिसाब से, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड में करवा देता हूँ, ठीक है ना, डब्ल्यू एच में करवा देता हूँ आपको। देखिए आप डब्ल्यू एच में क्या करोगे बताओ मुझे, आपने पढ़ लिया, कैसे करोगे डब्ल्यू एच, कुछ नहीं करना, इंटरगेटिव का डब्ल्यू एच लगा दो, बन गया आपका डब्ल्यू एच सब्जेक्ट, बन गया, कैसे सेंटेंस देखो, आप एक घंटे से कहाँ बैठे हुए थे, कहाँ सर बैठे हुए हैं, ऐसे आप एक घंटे से कहाँ बैठे हुए हैं, है ना, या क्या कर रहे हैं, चलो बैठे हुए अच्छा नहीं लग रहा तो मैं लिख दीजिए, क्या कर रहे हैं आप एक घंटे से, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अब देखो क्या लाओगे, पहले मुझे बताओ, डब्ल्यू एच वर्ड क्या, क्या को क्या बोलेंगे हम, वॉट, वट के ध्यान में क्या लाओगे, हे जे है, आप आ गया तो हैव लाओगे, फिर आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आप, आपको लिखते हैं हम यू, यू के बाद फिर क्या करोगे आप, बीन लाओगे, रख दीजिए बीन, फिर आना है वर्ब में आई एन जी, कर रहे हो, डूइंग, ठीक है ना, डूइंग कर दो, फिर कब से, एक घंटे से, क्या बोलोगे, फोर एंड हाउ, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इंटरोगेटिव का डब्ल्यू एच वर्ड बनाना है, आप खुद अपने हिसाब से बनाइए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा है आपको, ठीक है। आज के लिए हम इतनी क्लास रखेंगे, कल इसके करेक्ट फॉर्म के बारे में बात करेंगे, आई मीन मंडे को, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना है।